पे जैसे आप प्रोसीड विथ सिग बार करते हो तो यहाँ पे सिग बार एक्टिविटी को कॉल जाता है जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है फ़ोन और बैंक आईडी, तो ये इंटेंट में पुट किया, फिर सिग बार को कॉल जाता है। सिग बार को कॉल जाती है क्या हो रहा है, यहाँ पे फ़ोन और बैंक आईडी लिया जा रहा है, फिर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो चेक किया जा रहा है चेक पिन लॉगिन के साथ, चेकिंग पिन। तो जैसे ही आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है ये सबमिट के बाद होगा, लेकिन जो ऑपरेशन है आपका कि जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है और सही पिन आ रहा है कि नहीं वो चेक करने का, वो यहाँ पे हो रहा है। जब तक पिन साइज ऑप्टेन है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो एक रैंडम नंबर बना रहा है बिटवीन लेस देन 7 से, एक रैंडम इंटीजर लेगा और वो वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देगा। अगर रैंडम सीक्वेंस में आपका वैल्यू जो है, मतलब ये पूरा लॉजिक इस तरीके से डेवलप किया गया है कि राइट और करेक्ट आइडेंटिफाई होगा, तो ये क्या कर रहा है, कस्टम सिग बार को कॉल जाते ही वैल्यू ऑफ लेस देन 7 की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पे वैल्यू ऑफ लाई लाई सिक्वेंस, मतलब जो भी लाइट का सिक्वेंस है ब्राइटनेस वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है आपका, यहाँ ये कोड जो है यहाँ पे आपका ब्राइटनेस वैल्यू चेंज होगा कम्प्लीटली। अगर डॉट गेट वैल्यू ऑफ इक्वल्स 1 है और वैल्यू आगे कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, जैसे आपका कोई भी स्क्रीन का ब्राइटनेस अगर ग्लो हो जाता है तो आपको सही वैल्यू डालनी है, और अगर वैल्यू आपको लग रहा है कि ये जो स्क्रीन का ब्राइटनेस है वो कम जा रहा है तो आपको रॉन्ग वाली वैल्यू डालनी है, मतलब जो नंबर है उसमें ब्राइटनेस सिक्वेंस में, ये जो नंबर है 2328, तो 2 और 3 और 8 छोड़ के कोई भी रॉन्ग नंबर आप ब्राइटनेस लो के टाइम डाल सकते हो, लेकिन आपको ब्राइटनेस हाई के टाइम करेक्ट नंबर डालना है। फिर यहाँ पे रैंडमली वो 0 और 1 असाइन किया हुआ है, अगर ये 1 आ रहा है रैंडम वैल्यू में, वैल्यू ऑफ लाई सिक्वेंस जो है वो 1 आ रहा है तो वो आपको ब्राइट होता है, अगर नहीं आ रहा है तो वो आपका लाइट हो जाता है। तो जैसे देखिए ये स्क्रीन का जो इमेज है वो देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको क्या आउटपुट आ रहा है, अगर ये रैंडमली 0 आ रहा है तो आपको ये जो वैल्यू है ये ऐसे दिखेगी, और अगर रैंडमली ब्राइट आ रहा है तो ऐसे डार्क दिखेगा, तो ये वाइस वर्सा आप देख सकते हो। ये अगर हमने ब्राइटनेस के लिए यूज़ किया है तो वो ब्राइट दिखेगा पॉइंट, अगर लाइट के लिए यूज़ किया तो लाइट पॉइंट दिखेगा, फिर नॉट फिल वाला। फिर जैसे ही वो हो जाता है आप एक सबमिट बटन क्लिक करते हो, तो सबमिट बटन के क्लिक पे यहाँ पे सिग बार का एक्टिविटी आर एस लेआउट सिग बार आप देख सकते हो, एक्टिविटी सिग करके, तो एक्टिविटी सिग में गया, एक्टिविटी सिग में डिज़ाइन में जैसे ही सबमिट बटन का कॉल जाता है इसका देखते हैं, इसका देखिए बटन 1 है, तो सिग बार एक्टिविटी में बटन 1 की तरफ कॉल जाता है। अभी यहाँ पे बटन 1 में कॉल गया, यहाँ पे बटन 1 में सबमिट पे कॉल गया, तो जो पिन ऑप्टेन था चेकिंग पिन साइज इक्वल टू 4, जो पिन ऑप्टेन हुआ है वो पिन चेक किया जाएगा पिन चेक 1 के साथ, तो जो पिन चेक आया है वो मैसेज ऑप्टेन होगा, मैसेज ऑप्टेन इक्वल टू ट्रू, अगर ये वाला वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये ट्रू आ रहा है कि नहीं ये चेक कर रहे हैं। फिर जो है अगर मैसेज में कोई भी वैल्यू फॉल्स आ रही है तो रॉन्ग पिन एंटर्ड, और अगर वो साइज़ ग्रेटर देन 7 आ रही है तो करेक्ट पिन एंटर्ड करके आपको दिखा देगा, फिर ये करेक्ट पासवर्ड आपको दिखा देगा और ये बोलेगा कि करेक्ट पासवर्ड आ रहा है, और फिर जैसे करेक्ट पासवर्ड आ रहा है तो प्रोसीड पेज को कॉल जाता है यूआरएल सर्वर पे, प्रोसीड पेज को कॉल गया Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+Shift+R Ctrl+V, यहाँ पे प्रोसीड पेज पे कॉल जाते ही क्या हो रहा है कि यहाँ पे OTP बैंक आईडी स्टेटस आया, यहाँ पे अपडेट मल्टीफैक्टर डेटा सेट फ्लैग 1 कर रहे, तो जैसे सेट फ्लैग 1 करेंगे यहाँ पे बैंक आईडी का जो भी इंफॉर्मेशन है आपका वो यहाँ पे आ रहा है, जो भी आपका बैंक आईडी होगा वो जो होगा वो सही आइडेंटिफाई होगा, यहाँ पे 4-5 डाला तो यहाँ पे आगे OTP आया प्रोसीड विथ सिग बार किया, यहाँ पे नहीं होगा ये इम्यूलेटर है, इम्यूलेटर पे वो चलेगा नहीं और परमिशन देनी पड़ती है आपको, तो वो परमिशन आपको पता है कहाँ पे देनी है वो मैं बता दूँगा, ऐप में जाके परमिशन देनी होती है। तो जैसे वो परमिशन देते हो तो वो क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके साइड यहाँ पे प्रोसीड पेज पे जा रहे हो, यहाँ पे प्रोसीड पेज पे गए आप, तो वो ऑटोमेटिकली फ्लैग को 1 सेट कर रहा है, जैसे फ्लैग सेट 1 हो जाता है यहाँ पे देखिए ये OTP बन गया और इसका फ्लैग जो है वो नल है, जैसे फ्लैग 1 सेट हो जाता है तो ये जो सबलेट कॉल है, ये जो पेज है, ये पेज आपका
पेज आपका ऑथेंटिकेशन, ये देखिए यहाँ पे जैसे आप बैंक आईडी डालते हो तो यहाँ पे सर्वलेट कॉल को कॉल जाता है। फिर यहाँ पे सर्वलेट कॉल से कॉल जाने के बाद आउटपुट जा रहा है आपका यहाँ पे डिस्प्ले पैरामीटर्स डॉट जे एस पी। फिर डिस्प्ले पैरामीटर्स डॉट जे एस पी पे कॉल जाते ही यहाँ पे आपका एस एच और एम डी फाइव डिस्प्ले हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका कंटिन्यूसली कॉल जा रहा है चेक को कॉल जाते ही चेक डॉट जे एस पी को कॉल जा रहा है। फिर अगर चेक डॉट जे एस पी पे आपको वैल्यू आता है यहाँ पे देखिए ये जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी कॉल की गई है। ये जेक्वेरी में ये बताया गया है कि हेलो, तो यहाँ पे डिस्प्ले पैरामीटर्स को कॉल गया, यहाँ पे जैसे डिस्प्ले पैरामीटर्स को कॉल गया यहाँ पे आपका वैल्यू आया। फिर ये चेक डॉट जे एस पी पे चेक करता है, चेक डॉट जे एस पी पे चेकिंग किया कि ये वाला जो वैल्यू है ये वन है कि नहीं। अगर वन है तो अपडेट मल्टीफैक्टर ये वन प्रिंट करेगा और अपडेट मल्टीफैक्टर सेट इक्वल टू ज़ीरो वेयर बैंक आई डी इज़ दिस, जो भी लॉगिन किया होगा आपका यहाँ पे जा रहा है। जैसे ये लॉगिन हो जाता है प्रोसीड पेज को कॉल, अपना जो प्रोसीड पेज से आया था और डिस्प्ले पैरामीटर में यहाँ पे अगर वैल्यू वन आया तो यहाँ पे आगे जाएगा आस्क क्वेश्चन डॉट जे एस पी में। आस्क क्वेश्चन डॉट जे एस पी में क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका ऑथेंटिकेशन होगा। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, जैसे क्वेश्चन वैलिडेट को कॉल गया तो कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल वी क्वेश्चन वैलिडेट पे कॉल जाते क्वेश्चन वैलिडेट हो जाएगा और ये यहाँ पे आपको आंसर दे देगा। हेलो, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन और आंसर लेंगे, बैंक आईडी के करस्पॉन्डिंग आंसर चेक करेंगे, वही आंसर अगर किया है आपने तो ऑथेंटिकेशन कम्प्लीट डॉट जे एस पी को कॉल जाएगा। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कम्प्लीट डॉट जे एस पी आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल दिखा देगा, लेकिन अगर रॉन्ग आता है और अगर सक्सेसफुल होता है तो फ्लैग